इंडियन आर्मी यानी कि कमांडो की कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग। अब ये क्यों करवाई जाती है? इतनी हाइट पे खड़े होकर नीचे कूदने में गांठ फट जाती है, लेकिन इंडियन आर्मी में अगर कॉन्फिडेंस लाना है, अपने आप को आर्मी के अनुसार ढालना है, तो उसके लिए ये कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग हमें करनी पड़ती है। लोग पूछते हैं कि क्यों आप यार बच्चों के साथ इतना हार्ड वर्क करवाते हो इनसे, क्यों यार जरूरी है इनका मिट्टी में चलना, क्यों जरूरी है इनका क्रॉस कंट्री करना, क्यों यार आर्मी के जैसा बिहेव करते हो, सीधा सा 1600 दौड़ा के क्यों नहीं छोड़ देते? इसलिए क्योंकि कल जब ये ट्रेनिंग करे तो कम से कम कमजोर तो ना पड़े ये उन लोगों के सामने। एल पोजिशन ये आपको दिख रही है, 30 फीट की हाइट से सीधा नीचे पानी में आए हैं, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब कॉन्फिडेंस हो। इतनी ऊंचाई पर नीचे पता लगे एक फिट का फट्टा है, उस पर आपको पैदल चलना है। कॉन्फिडेंस से चलने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो अगर पहले से होती है तो एक बेहतरीन सोल्जर इंडियन आर्मी के लिए तैयार हो सकता है। और सबसे पहले सबसे बड़ी बाधा तो हमारे लिए 1600 मीटर की रहती है, तो वो चीज़ ये बच्चे भूलकर कि यार ये काम तो मेरा रोज का है, इन्हें एक्स्ट्रा करवाते हैं, आर्मी की तरीके से इनको ट्रीट करते हैं, तब जाके ऐसे ही आज हिंदुस्तान की हर एक आर्मी रैली में मेरा बच्चा रेस में नहीं आ जाता। उसके लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है। मेरे दोस्त घर पे भी तैयारी कर रहे हो तो कुछ ऐसा तैयार करो, अपने आप को कुछ इस तरीके से तैयार करो कि किसी भी काम को लिए फट से तैयार हो, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। फट नहीं चाहिए, इतनी ऊंचाई हो चाहे इससे भी ज़्यादा क्यों ना ऊंचाई हो, दिल में जिगर होना चाहिए। जिगर शेर की तरह, कहीं भी दहाड़ मारो तो जंगल को पूरा पता लगे कि शेर है। डर के दुबक के रहोगे अपने घर में तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। जॉब की तैयारी करो या फिर आर्मी छोड़ दो, आर्मी का सपना अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो तो। डर हर काम में लगता है, असफलता हर काम में जुड़ी रहती है यार, असफल व्यक्ति ही सफल होता है। 3 साल मिलते हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, 18, 17.5 से 21 तक एक बार असफल हुए, लेकिन दूसरी बार तो पूरी मेहनत से जाए। क्यों हम घर पे पड़े रहते हैं, जैसे ही भर्ती चली जाती है रेस वेस सारी छोड़ देते हैं। ये वीडियो दिखाने का यही उद्देश्य है कि मेरे दोस्त आज अगर 1600 मीटर से डर रहे हो तो आगे बहुत मुसीबतें आने वाली है, आज ही छोड़ दो सपना देखना। और यहाँ पे जो 8 तारीख को नए बैच में बच्चे आ रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि आपका सिलेक्शन हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आप भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे। आर्मी से संबंधित सारे वीडियो यहाँ मिलते हैं, ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद।